जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पी के ए साधना चैनल में। तो दर्शक जनों, आज हम फिर से आप सभी के लिए एक ऐसा लब्धकारिक शक्ति का साधना लेकर आ गए हैं, एक ऐसी परी का अमल लेकर आ गए हैं, जो कि ये जो अमल है, इस अमल को हर एक आदमी कर सकता है, हर एक नाजरीन कराम कर सकता है। इस अमल को स्त्री पुरुष हर आदमी कर सकता है, बच्चा भी इस अमल को कर सकता है। इस अमल को करने की आपको इजाज़त लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस अमल को इजाज़त नहीं लेते हैं तो इस अमल में या तो इस वीडियो देखने का आपका कोई भी ज़रूरत नहीं बनता है, क्योंकि वीडियो तभी देखिए जब आपको इस अमल को करना है। क्योंकि इजाज़त अगर आपको लेना है तो इजाज़त आप हमसे भी ले सकते हैं। ये अगर आपके उस्ताद अगर आपके गुरु हैं, अगर आपके कहीं भी आपके आस पास या गाँव में कहीं भी है, तो इस अमल को आप उनको बताकर आप उनसे इजाज़त ले सकते हैं, ठीक है ना। इस अमल का कुछ दूसरे प्रकार से इजाज़त लेना है। तो हम आप लोगों को बता दें कि इस अमल को कैसे करना है। ये जो अमल है, ये अमल है एक लाल परी का अमल, ठीक है ना। फिर से हम बता दें लाल परी का अमल। हम अपने जो चैनल है इस पर ज़्यादातर मैं लाल परी का अमल इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि लाल परी जो है बहुत ही अच्छी परी है। इसमें कोई जान का खतरा नहीं होता है। सट्टा लॉटरी मारन पड़ियोग उच्चाटन वशीकरण मोहन वर्तमान भूत भविष्य हर चीज़ आपको बताती है। या तो सट्टा का लॉटरी या किसी के भी बारे में बताना हो चाहे तो इसके मदद से आप कोई भी पीर को डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं या किसी भी शक्ति को डायरेक्ट बुला के आप इसे काम ले सकते हैं, किसी भी शक्ति का ट्रांसफर दे सकते हैं। आप इसे संभोग सेक्स आदि भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इस अमल को बता देते हैं। ये जो अमल है, इस अमल को करने के लिए आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, तो ये सामान आपकी लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सामान कौन कौन सा आपको लाना है, तो सामान लाना है कोई सा भी 3 लड्डू ले लें, मिठाई नहीं लेना, लड्डू ले लें, ठीक है ना। या तो आप नारियल का भी लड्डू ले सकते हैं या कोई भी आप नॉर्मल भी लड्डू ले सकते हैं, 3 ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद आपको एक अत्र आता है, अत्र का नाम है चंदन का अत्र। अगर चंदन का अत्र ना मिले तो आप जो नॉर्मल अत्र आता है गुलाब गुलाब का जो भी आपका मन हो वो ले सकते हैं, लेकिन चंदन का अत्र आपका जरूरी है। लाल रुमाल चाहिए या लाल कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा सामान रख देना है, 4 दिया जलाना है और 4 दिए के पास हल्का हल्का सा गुलाब जल डालना है। जैसे ही हल्का हल्का सा गुलाब जल डाल देंगे उसके बाद जो स्क्रीन पर ये मंत्र दिख रहा है, मंत्र में एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। मंत्र क्या है कि या लाल परी हाजिर शु, या लाल परी हाजिर शु। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप इस मंत्र को पढ़ना है 1294 मरतबा, 1294 मरतबा, ठीक है ना, याद रहे। तो जब आप इसे पढ़ देंगे उसके बाद हल्का हल्का सा सनसनाहट जैसा होगा, आपके सामने एक लाल परी की हाजिरी होगी। ये बहुत ही यूनिक अमल था, बहुत ही विचित्र अमल था। और इस अमल में कोई डर भी नहीं है, कोई हिसार नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा जो नेक्स्ट अमल आने वाला है वो नागिन परी पार्ट 2 जो होगा आपके लिए मैं लेके आऊँगा। इसके बाद वाला जो अमल आने वाला है ये नागिन परी का अमल लेके आना है, क्योंकि इससे पहले नागिन परी का जो अमल है आप बहुत ही देखे हैं, ठीक है ना। और इसका आसान साधना भी आदमी बहुत ही मांगे कमेंट में, तो इसका मैं पार्ट 2 करके लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं इस परी का हमारे निगरानी में साधना करने के लिए या इसका ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो ट्रांसफ़र के लिए आप कमेंट में पहले लिखिएगा, आपको नंबर वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो चलते मिलते इसी तरह दूसरे वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जी नमस्कार, जय माता दी।